औद्योगिक नगरी पीथमपुर की नगर पालिका और सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग द्वारा नशा नाश की जड़ है नशा मुक्त भारत के तहत नशा मुक्त पीथमपुर अभियान की शुरुआत की गई। कार्यक्रम की शुरुआत मतदाता जागरूकता अभियान के तहत अमृत महोत्सव में तिरंगा कलश यात्रा के साथ हुई। वार्ड क्रमांक 4 के पार्षद एवं समाजजन शामिल रहे। वहीं तत्पश्चात स्थानीय महाराणा प्रताप बस स्टैंड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत नगरपालिका क्षेत्र के 200 हितग्राहियों को 10,000 से लेकर 50,000 तक का ऋण उपलब्ध कराया गया। वहीं नशा मुक्ति के जागरूकता के प्रति नया सवेरा नए समाज की लेबर चौकी युवा संगठन के नन्हे बालकों द्वारा नशे की शुरुआत से लेकर अंत तक नाट्य रूप में नशे के दुष्प्रभावों को बताया। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। ये बताया जो है कलश यात्रा निकाली गई, क्या था पूरा? ये हमने आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत मेरी माटी मेरा देश के तहत ये यात्रा कलश यात्रा निकाली है। इसमें हम सभी को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए हमने यात्रा का आयोजन किया है, जिसमें नगर पालिका के सभी वार्डों के लोग सम्मिलित हुए हैं। सभी जनप्रतिनिधि अधिकारी कर्मचारी ने इसमें मिलकर भाग लिया है और हम सबको जागरूक करने के लिए कि मतदान हमारे लिए कितना ज़रूरी है, इसके प्रति हमने ये कलश यात्रा निकाली थी। आपका नाम? मेरा नाम नूतन करे हैं, सहायक राजस्व निरीक्षक, बस स्टैंड जोन प्रभारी। आज नशा मुक्ति कार्यक्रम रखा गया पीथमपुर नगर पालिका में। सभी जनता को शपथ दिलाई गई कि किसी भी प्रकार का वो नशा ना करे। हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार सभी नगर पालिका और सभी क्षेत्रों में ये कार्यक्रम रखे गए हैं, जिनको बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को क्षेत्र में नशा मुक्ति के लिए उनको जागरूक किया गया है। नुक्कड़ नाटक की गई है और सभी को शपथ दिलाई गई है कि कोई भी नशा ना करे। अपने घर परिवार में सभी को समझाएं, बड़े बुजुर्ग या बच्चों को जो नशे से दूर रखें उनको, हमारी नई पीढ़ी नशे के अंधकार में ना खोए और अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करे। पार्षद बालाराम मीणा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।